नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एम इस्लाम और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत होना क्यों ज़रूरी है और आज के कोरोना काल में खासकर इम्यूनिटी सिस्टम का मजबूत होना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता है। जो कोई भी गंभीर बीमारी हो या वायरस बैक्टीरिया रिलेटेड छोटी सी छोटी बीमारी, रोग प्रतिरोध क्षमता उससे लड़ने में सक्षम होते हैं और बीमारी से निजात दिलाता है। तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन सा ऐसा 5 फूड खा के इम्यूनिटी सिस्टम को ताकत पर बना सकते हैं। नंबर 1, विटामिन सी। अगर किसी खाद्य पदार्थ में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा वो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। विटामिन सी कौन सा फूड में ज़्यादा पाया जाता है? कोई भी साइट्रस फूड, चाहे वो नींबू हो या कोई भी खट्टी मीठी फल, जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा कीवी फ्रूट्स और स्ट्रॉबेरी में भी विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप इस फूड का सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ने के कारण कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाता है। नंबर 2, विटामिन ई। विटामिन सी की तरह विटामिन ई भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप कोई ऐसे फूड खाते हैं जिसमें विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि आलमंड, पीनट बटर और सनफ्लावर सीड, ये सब फूड में ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई पाए जाते हैं, जिसके सेवन से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम और भी मजबूत होती है। नंबर 3, जिंक। दोस्तों, आजकल कोरोना काल में कोई भी कोरोना पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जिंक सप्लीमेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, जो बाज़ार में मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कई ऐसे फ्रूट होते हैं जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि ओएस्टर, बीन्स, रेजिन ब्रैन और भी कई फ्रूट। ये सब फ्रूट में जिंक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ ऑटो इम्यून डिजीज से भी बचाता है। इसके अलावा जिंक हमारे नई इम्यून सेल को भी जन्म देता है, जिसके कारण इम्यूनिटी और भी मजबूत होती है। नंबर 4, कैरोटीनॉइड। दोस्तों, ये भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ज़्यादातर साग सब्जी और फल मूल में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि कैरोट, मैंगो, पपाया और भी कई फल में कैरोटीनॉइड का मात्रा ज़्यादा होता है। और ये कैरोटीनॉइड हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, जिसके कारण अगर आप ये सब फ्रूट और साग सब्जी ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ता है और कई बीमारी से आप बच सकते हैं। नंबर 5, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ऐसे भी हम लोग को पता है ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा खाने से हमारे हार्ट के लिए बेहतर होता है, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। कई ऐसे फूड है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ऑयली फिश, चाहे वो मैकरेल हो, सलमॉन फिश हो या टूना फिश, इसमें ओमेगा फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा होता है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड, चिया सीड में भी ओमेगा फैटी एसिड ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से इस फूड का सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ज़रूर मजबूत होगी और कई ऐसे गंभीर बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। तो आज के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।